स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा सेंड मोबाइल ऐप में बेनिफिशियरी ऐड कैसे करते हैं। सेंड मोबाइल ऐप में बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर मैनेज बेनिफिशियरी पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर मैनेज बेनिफिशियरी पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पॉपअप आ जाएगा, प्लीज सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर ये इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पर आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर पे लिस्ट पर टच करोगे तो आप यहां पर सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद वो बेनिफिशियरी देख सकते हैं जो आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। लेकिन हमें यहां पर एक नया बेनिफिशियरी ऐड करना है, उसके लिए हमें यहां पर ऐड डिलीट पे पर टच करना है। अब यहां पर आपको सिलेक्ट पर टच करना है। सिलेक्ट पर टच करने के बाद आपके सामने यहां पर एक पॉपअप सा आ जाएगा। आप यहां पर जो बेनिफिशियरी चुन रहे हैं वो यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से है या फिर अदर बैंक से है। यहां पर मैं दूसरे बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर सेकंड नंबर पर एक बार टच करना है। उसके बाद हमें यहां पर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर ऐड करना है। तो हमने यहां पर अब बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर ऐड कर लिया है। अब यहां पर आपको दोबारा उसके बाद आपको यहां पर आईएफएससी कोड डालना है। तो हमने यहां पर अब अपना आईएफएससी कोड भी डाल लिया है। उसके बाद अब आपको यहां पर अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। अब हम यहां पर एक बार क्लिक करते हैं तो यहां पर अब हम अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर देते हैं। बेनिफिशियरी का कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है या फिर लोन अकाउंट है, जो भी अकाउंट है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूं और अब यहां पर आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें यहां पर करना क्या है, हमें यहां पर वेरीफाई आईएफएससी डिटेल पर टच करना है। तो हम यहां पर एक बार टच कर देते हैं और यहां पर अब आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ आ चुका है। अब हमें यहां पर करना क्या है, हमें यहां पर हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने कुछ और यहां पर फीचर आ चुके हैं। अब हमें यहां पर जो अपना बेनिफिशियरी नेम है वो यहां पर ऐड करना है। बेनिफिशियरी नेम हमने यहां पर ऐड कर दिया है। अब हमें यहां पर बेनिफिशियरी नाइक नेम ऐड करना है और यहां पर आपको बेनिफिशियरी लिमिट सिलेक्ट करनी है। हमने यहां पर 5,00,000 रुपए बेनिफिशियरी लिमिट ऐड कर दी है। यहां पर बेनिफिशियरी एड्रेस हमने दे दिया है। यहां पर बेनिफिशियरी पिन कोड ऑफिशियल है, आप चाहे तो दे सकते हैं या फिर आप रहने दे सकते हैं। हम यहां पर थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर लेते हैं। अब हमने यहां पर बेनिफिशियरी पिन कोड ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको यहां पर बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर ऐड करना है और यहां पर अब आपको बेनिफिशियरी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे रहने दे सकते हैं। मैं यहां पर बेनिफिशियरी ईमेल आईडी डाल ली है। उसके बाद आपको यहां पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी हमने यहां पर अब डाल दिया है। सारी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको यहां पर सबमिट पर टच करना है। अब यहां पर आपके सामने एक पॉपअप सा आ जाएगा, बेनिफिशियरी हैज बीन एडेड सक्सेसफुल, बेनिफिशियरी विल बी एक्टिवेट आफ्टर 4 hours। 4 घंटे के अंदर अंदर आपने जो बेनिफिशियरी ऐड किया है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही आप यहां पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप सेंड मोबाइल ऐप के होम पेज में आ जाएंगे। अब यहां पर आपको 4 घंटे का वेट करना है और 4 घंटे जब पूरे हो जाएंगे, जो आपने बेनिफिशियरी ऐड किया है उस बेनिफिशियरी को देखने के लिए आपको यहां पर दोबारा मैनेज बेनिफिशियरी पर टच करना है और उसके बाद आपको यहां पर ओके पर टच करना है। अब आपको यहां पर पे लिस्ट पर टच करना है। अब आपको यहां पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको अदर बैंक अकाउंट नेफ्ट चुनना है जो आपने बेनिफिशियरी ऐड करते वक्त चुना था। हम यहां पर एक बार टच कर देते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं जो बेनिफिशियरी हमने ऐड किया था वो बेनिफिशियरी हमारे सामने यहां पर शो हो चुका है। इस तरह आप बड़ी आसानी से सेंड मोबाइल ऐप में बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।